सागर पांडे आपके साथ, आइए जानते हैं खबरों के बारे में विस्तार से। एक और सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है और लोगों को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन धनबाद में स्वयं रोजगार कर जो आत्मनिर्भर हैं उनसे रोजगार छीना जा रहा है। भू माफिया से कुछ अधिकारी मिलकर रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। बता दें कि धनबाद के पुराना बाजार शनिदेव महाराज कैंपस में दर्जनों पक्के के दुकान थे, जिस पर भू माफिया शरद दुदानी, जो धनबाद के प्रसिद्ध व्यवसायी भी हैं, इनकी नज़र पड़ी और जिले के अधिकारियों से मिलकर इनके पक्के दुकानों को ढा दिया गया, जिससे दर्जनों लोगों का रोजगार छिन गया। अब यह लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं, जिसे लेकर मंगलवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर दुकानदारों के द्वारा शरद दुदानी के नाम पर भिक्षा मांगने के तख्तियां गले में लटकाकर एक दिवसीय धरना दिया गया और सरकार और जिला प्रशासन से भू माफियाओं से मुक्त करने और रोजगार चालू करने की मांग की। कहा कि पिछले साल से ही हम लोगों की दुकान पर भू माफिया शरद दुदानी की नज़र पड़ी और जिले के कुछ अधिकारियों से मिलकर हम लोगों का दुकान तुड़वा दिया, जिससे हम लोग बेरोजगार हो गए, जिससे आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई और हम लोग भिक्षा मांगने को विवश हो गए। कर रहे हैं ऐसा कि हम लोग जो भिक्षाटन कर रहे हैं और हम लोगों की दुकान तोड़ दिया गया, अचानक जो है दुकान को तोड़ दिया गया, हम लोग रोड पर आ गए, भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए, इसलिए एक दिन से भिक्षाटन कर रहे हैं, लोगों से अब समर्थन मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। आगे क्या क्या राजनीति होगी आगे जी? आगे क्या करिए? मांगे नहीं पूरी होगी तो, मांगे नहीं पूरी होगी तो धरना पे बैठेंगे। पूरा परिचय दीजिए जी। मेरा नाम मोहम्मद यासुद्दीन अंसारी है, शनि महाराज सुशील दुकानदार समिति के अध्यक्ष हैं। आज पिछले 50 साल से भी ज़्यादा वक्त से शनि महाराज मंदिर कैंपस पुराना बाज़ार बैंक रोड में, वहाँ दुकानदार पक्की दुकानें बनाकर, फुटपाथ दुकानदार नहीं था, पक्की दुकानों के साथ वो लोग व्यवसाय कर रहे थे, सरकारी ज़मीन थी वो। अचानक भू माफियाओं की गिद्ध दृष्टि उस ज़मीन पर पड़ी और भू माफियाओं ने सरकारी, कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को सेट करके उस ज़मीन पे जो दुकानें थी, पक्की दुकानें, बगैर किसी नोटिस वोटिस के गैरकानूनी तरीके से उन दुकानों को तोड़ दिया। आज उन दुकानदारों की इस महामारी के समय में ये स्थिति है। हम जिला प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आपने कितने लोगों को रोज़गार दिया? आप एक लोगों को रोज़गार देने के लायक नहीं हैं, मगर इन भू माफियाओं ने, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को बेरोजगार किया, इसका जवाबदेही किस पर है? जिला प्रशासन इससे बच नहीं सकता। आज ये लोग भीख मांगने की स्थिति में आ गए हैं। भू माफिया कौन था? शरद दुदानी। क्या आपने डीसी को नोटिस दिए थे? बिल्कुल, हम लोगों ने सारी जगह पे, इन दुकानदारों ने हर जगह, हर द्वार पे दर दर भटक रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों को भीख मांगने की नौबत है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारी माँ जो है बगैर दवा के मर रही है, हम लोगों को मदद किया जाए। मगर आपसे चल रहा है ये 2019 लास्ट महीने से ये हुआ है और तब से ये दुकानदार लोगों के सामने एड़ियां रगड़ रहे हैं, अपना माथा पटक रहे हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भू माफियाओं के सामने कानून, संविधान, सारी चीज़ छोटी बौनी पड़ गई है।